أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته وبركاته mute all of you so that you don't have to mute individually all all ओके सो अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूसडे को हमने कंप्लीट किया था सूर्य अलमाइदा की आया नंबर ट्वेल्व सो इनशाला टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आया नंबर थर्टीन ऑफ सूरत अलमाइदा आया नंबर थर्टीन है आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फबिमा नक़दहुम मीथाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا مم به ولا تزال تطلع على, على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واسقع إن الله يحب المحسنين تو پہلے ورڈ for word کر لیتے ہیں پھر تفسیر میں جائیں گے انشاءاللہ تو word فور ورڈ is فا بیما سو بیکاوز آف naqdihim naqdihim breaking their misaqum, their covenant. So, because of their breaking their covenant, la annahum. This is Allah telling them. Allah saying, we cursed them. La anna patare kya na? La najaista La anah ya la nun.

यानी I mean? wow, I mean, जहाँ वो प्लेस किए हुए थे वहां से उनको हटा देना उनको ब, उनको डिस्टोर्ट कर देना उनको चेंज कर देना और उनको अपने जगह से हटा के दूसरी जगह पे डाल देना सो so अगेन वो बदल देते हैं कलिमात को अपने मुकामात से मवाद यानी मुका, से वो वो हमारे अल्फाज को बदल देते हैं अपने मुकाम से वनसु जुकिरु बिही वन एंड देर गॉड न आपको है इंसान का नाम भी इसीलिए इंसान है क्योंकि इंसान फॉरगेट कर जाता है फॉरगेटफुल है वनसु

खयानत का किसी डिसेप्शन का किसी धोखे का उन से बहुत कम उनमें से यानी ज्यादातर जो मेजॉरिटी है वो उनमें से खयानत करते हैं और करेंगे फाफ वो अनहुम वस्फ़ा

तो इंग्लिश में आप पूरा सेंटेंस है बट यू पार्डन देम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जा रहा है एंड यू इग्नोर और यू ओवर लुक बस आप माफ कर दें उनको और दरगुजर करें उर्दू का लफ्ज बड़ा अच्छा दरगुजर करें मतलब जो वो कर रहे हैं आप दरगुजर करें इग्नोर कर दें ओवर लुक कर दें इन अल्लाह युहिब्बुल इन इंडीड अल्लाह लव्स लफ्स देंट डूअर्स और हब्बा का आपको पता हब्बा यबुलहबाब उन और महसिन के रूट लेटर्स हैं हसीन यानी हसना यानी एक्सिलेंट तो हब्बा आप पहले कर चुके हैं फॉर्म फोर है ये तो इनडीट अल्लाह बेशक अल्लाह पसंद करता है एहसान करने वालों को यानी बेहतरीन सुलूक करने वालों को बेहतरीन काम करने वालों को अल्लाह पसंद करता है अब हम आते हैं उसकी तफसीर के ऊपर फबा नकूबा हूँ पहले इतना करते हैं रिम्बर ट्यूसडे को हमने क्या पढ़ा था ट्यूसडे को हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने उनसे कोविनेंट लिया था ठीक है बनी इसराइल से जूस से उस वक्त जो अच्छा याद रखें कि ये बनी इसराइल अभी मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि ये इसराइल और वो बनी इसराइल क्या सेम थे नहीं इसकी पूरी लंबी हिस्ट्री आप देख लें आप उठाएं और किसी इस्लामिक उसमें देख लें कि वो जो बनी इसराइल जो थी वो मुसलमान थे पहले वो जूस थे लेकिन फिर उसमें से आप देखें कि पहले वो मुसलमान थे और फिर उसमें से जो वो तो जूस बन गए ठीक है सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसराइल ये इसराइल की जो बात हो रही है ये आपको याद है हमने पढ़ा था कि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे बारह नकीब की बात हो रही थी कि उनसे अल्लाह ताला ने कोवेनेंट लिया था तो रिमेंबर इन द लास्ट सेशन हमने ये भी बोला था कि जो उस ट को फुलफिल करेगा अपने अहद को पुख्ता अहद को पूरा करेगा अल्लाह उसको रिवॉर्ड देगा और रिवॉर्ड भी हमने पढ़े थे क्या किया थे फिर हमने ये पढ़ा था कि जो फमन काव का, को, को तोड़ देगा या, उस, या उसको ब्रेक करेगा या उसको डिनई करेगा अल्लाह उसको से कोई बात नहीं और गोइंग एस्ट्रे यू गो अस्ट्रे अब इस आयत में अल्लाह तता रहे हैं कि दे डिड ब्रेक देर कॉवन उन्होंने अपना कॉवनेंट अपना पुख्ता अहद जो था अल्लाह के साथ किया था उसको तोड़ दिया और उस वजह से किया हुआ फिम एंड एज अ रिजल्ट एंड बिकॉज ऑफ देर ब्रेकिंग अल्लाह अन्ना अल्लाह और फिर अल्लाह क्या किया उनके दिलों को सख्त कर दिया या भी आपने पढ़ा वर्ड फॉर वर्ड में अल्लाह ताला ने उन जिनके कॉन्वेनेट को तोड़ने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको कर्ज किया और अल्लाह ताला ने उनके दिलों को सख्त कर दिया और जब दिल सख्त हो जाते हैं तो फिर क्या होता है दे कुड नो लॉन्गर बी द डिवाइन गाइडेंस उसके बाद वो हिदायत पाने के काबिल ही नहीं रहे फिर अल्लाह ताला हमें यह भी बता रहे हैं कि उन्होंने किस किस तरह से अपने कॉविनेंट को तोड़ा ये हर रिफून अलकली अम्मा ही वनसु हजम मिम्मा जुकिरु भी उन्होंने ये हर रिफून अलकली उन्होंने जो अल्फाज थे यानी जो उनकी मीनिंग्स भी थे और जो अल्फाज रिवील्ड उनके ऊपर जो रेवोल्यूशन आई तौरा में उस तौरा के जो अल्फाज थे अल्फाज को भी डिस्ट्रॉड कर दिया बदल दिया और उसकी मीनिंग और उसकी तवील और उसकी इंटरप्रिटेशन को भी बदल दिया दे द मीनिंग ऑल्टर दीनिंग देखो था उससे निकाल के दूसरी तरफ कर दिया इसके अलावा जो लॉज आए थे उन लॉज को भी अबेंडन कर दिया उनको भुला दिया उनको अबेंडन कर दिया और फिर क्या किया उसी किताब में तौरा को जो उन्होंने सारी चेंजेस की थी जो उन्हों उन्होंने नई तौरा बनाई उसमें उन्होंने ऐड कर दी वो वो चीजें जो उनकी जो अपनी डिवियस गोल्स को सर्व करती थी और उन्होंने इसकी रिलीजियस जस्टिफिकेशन भी निकाल ली उनको जो अपने विकेट उनके जो मकासद थे जो एंड थे उसको परसू करने के लिए और फिर वो सारी चीजें जो उन्होंने ऐड की तौरा में उन्होंने उसको एट्रीब्यूट किसको किया अल्लाह सुबहान को इससे बड़ा गुना और क्या हो सकता है अल्लाह के लॉज को चेंज करना अल्लाह के अल्फाज को चेंज करना टू टेक देम आउट ऑफ कॉन्टेक्ट फिर हम ये कैसे कह सकते हैं उन्होंने सही काम किया सारा गलत काम किया और फिर अल्लाह ने जो उसमें जो ओरिजिनल अल्लाह ने कह रही हूँ उन्होंने जो ओरिजिनल स्टेटमेंट्स थे उनकी किताब में जो रह गए थे ये तो अल्लाह के अल्फाज है ना सब उसमें जो रह गए थे उसको उन्होंने अपनी प्रेजिडिस की वजह से उसको ऐसा बना दिया कि नाउ इट वुड फिट देयर ओन विकेड डिजाइन और फिर अल्लाह कहते हैं नसू फॉरगेट किया नसू का लफ्ज कह रहे हैं दे डिलिबरेटली फॉरगॉट यानी दे अबेंडन अ गुड हजन अल्लाह ने कहा एक पोर्शन ये भी अल्लाह के अल्फाज है जब हम कहते हैं ना इंटरप्रिटेशन इंटरप्रटेशन इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है सिर्फ उस एक लफ्ज को खोल के बता रहे हैं कि उन्होंने भुला दिया अल्लाह खुद कह रहे अबेंडन कर दिया और फिर उन्होंने एक एक अच्छे खासे पोर्शन को और जिसके अंदर अच्छी खासी बेनिफिशियल बातें थी उसको उन्होंने छोड़ दिया और फिर उसको अनइंप्लीमेंट दे लेफ्ट इट अनइंप्लीमेंटेड क्यों क्योंकि अपनी सोसाइटी में वो अपनी बेनिफिट चाहते थे रादर के बेनिफिट ऑफ द पीपल और इस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दो लॉज जो कि अल्लाह ने भेजे थे उन लॉज को अगर वो इम्प्लीमेंट करते तो क्या होता उनके पास एक क्लीन एंड प्योर मेथड होता जो कि अल्लाह को एक्सेप्टेबल होता लेकिन वो क्लीन और प्योर मेथड नहीं चाहते थे तो फिर अल्लाह ताला और भी अल्लाह ताला तुम्हें पहले बताया कि उन्होंने अंबिया को भी इस इस में क्या था कि वो अपने अंबिया अपने रसूलों की इज्जत करेंगे और उनका साथ देंगे लेकिन अल्लाह ताला ने क्या बताया हमको कि दे आल्सो किल्ड देयर फॉर नो हम पहले पढ़ चुके हैं कि उन्होंने अपने अपनी नबियों को ना हक विदाउट एनी वैलिड रीजन विदाउट एनी लेजिटिमेट रीजन उनको कत्ल किया और आप सबको मालूम है कि उन्होंने ईसा को भी क्रूसीफाई करने की कोशिश की ये सब हम पढ़ चुके हैं फिर उसके अलावा ये सब के अलावा आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट उन्होंने एक हॉस्टाइल एटीट्यूड लिया एक दुश्मनों वाला एटीट्यूड लिया एक नफरत वाला एटीट्यूड लिया एक बहज वाला एटीट्यूड लिया और उन्होंने बहुत सारे प्लॉट्स इस तरह स्कीम किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट ताकि उनको बिट्रे भी किया जाए और आपने पिछली दफा भी पढ़ा था कि अल्लाह ने उनके जो हाथ उन्होंने स्ट्रेच किए थे अल्लाह ने रोक दिया दे वर अटैकिंग द प्रॉफिट दे वर अटैकिंग द मुस्लिम्स एंड एट सेवरल ओकेजन जिसकी मैंने आपको बताई थी डिफरेंट उसके वाक को वो लोग रेफर करते हैं वाकयात, दुश्मनी का था और हॉस्टिलिटी का था उन्होंने ये भी हेजिटेट नहीं किया कि वो जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को साइन किया था उन्होंने उसको भी वायोलेट किया ये सारी चीजें आप देखें अगर आप इस एक आयत को ले लें छोटी सी आयत है वह बीमा नकुदी हिम उन्होंने अपने कॉमेंट को तोड़ा फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये सब उन्होंने किया और आया कंटिन्यू हो रही है। And will not cease to discover. मतलब ये सिर्फ नहीं था। अल्लाह क्या कर रहे हैं उनकी खा उनकी डिसेप्शन उनके मिसट्रस्ट एक्सेप्ट अल्लाह ने एक्सेप्टेंस भी डाल दी एक्सेप्टैम ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये मदीने वालों की बात हो रही है ये मुसा के जमाने की बात नहीं हो रही है। ये मदीने में अल्लाह ताला नबी वसल्लम को बता रहे हैं कि ये कुछ इन्होंने किया था मूसा सलाम के जमाने में सो दे ट्राई टू बिट्रे उन्होंने ये किया था कि उन्होंने नबी वसल्लम को भी और नबी वसल्लम के साथियों को भी मुसलमानों को भी बिट्रे करने की कोशिश की चीट करने की कोशिश की बहुत सारे ट्रैचरस किए एंड दैट प्रैक्टिस अल्लाह के रहा वालू यू विल नॉट सी के वो रुक गया है दे विल कंटिन्यू वेयर एवर देर एवर एंड एवर देविंग इन अ मुस्लिम कम्युनिटी अब देखिये मुस्लिम कम्युनिटी ही थी ओनली कम्युनिटी वॉज द मुस्लिम कम्युनिटी थी जिन्होंने उनको एक सेफ रेफ्यूज या सेफ एवन अप्लाई दिया था प्रोवाइड किया था और उसमें उनको प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही थी उनको काइंड ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा था वो लोग प्रोस्परस लाइफ मतलब अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे लेकिन उसके बाद भी अभी तक भी मेजोरिटी ऑफ दैम में है अल्लाह तहते हैं खुद ही अल्लाह कह रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ द एम जो है वो सब जो है उनके लिए अभी तक वो खसलत वो कैरेक्टरिस्टिक वो उनके प्लान आर स्टिल ट्रू एक्सेप्ट फ्यू ऑफ क्यों वो अपनी हिस्ट्री उनकी पूरी है दे हैव बीन ब्रेकिंग और अभी तक वो कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि नहीं कोई भी कोई भी उनमें से नहीं है जो कि सही है few of them है जिन्होंने who kept their word and who did not deceive and who are not deceiving अभी भी हम देखते हैं जब फिलिस्तीन के बारे में कुछ हो रहा होता है तो there are people who who come up and who say कि नहीं ये गलत है हम इससे क्या सीखते हैं हम ये सीखते हैं कि जो चिल्ड्रन ऑफ इजराइल बनी इजराइल के साथ जो कुछ भी हुआ वो क्या हुआ था वो एंड हाउ एंड व्हाई दे वर कर्सड And why they were rejected. हमने देखा याद दिलाते रहे अगेन एंड अगेन रिमाइंड कराते रहे इसीलिए अल्लाह कहते हैं कि जब उनको जिक्र जब उनको जिक्र किया गया उनको की रू जब उनको रिमाइंड किया गया फिर भी वो फॉरगेट करते रहे स्पेशली किस चीज़ के मतलब आखिरा के मतलब दुनिया में इतने इतने इन्वॉल्व हो गए इतने डूब गए कि आखिरत को भूल गए इससे लेसन हमारी ये कि हम मुस्लिम्स मैं और आप हमको भी अल्लाह ताला इस आयत के साथ वार्न कर रहे हैं कि हमारी जो कॉवेन्ट है अल्लाह के साथ हमारा जो पुख्ता अहद है एज ए मुस्लिम एज एम्ब्रेसिंग इस्लाम एज प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हमारे ईमान और हमारे अमाल में हमें भी अपने कॉवनेंट को कायम रखना है अदरवाइज वी विल सफर द सेम फेट द सेम फेट क्या होगा अल्लाह नउ जबल्ला नाऊ जबिल्ला के अल्लाह ताला हम पे लानत करेंगे हमारे दिलों को सख्त कर देंगे अल्लाह ताला हमें बचा के रखे इस हमारे हमें भटकने से भी गुमराह होने से भी और अल्लाह ताला हमें बचा के रखे कि अल्लाह ताला की लानत हम पे हो या हम भूल जाए और या हम गुमराह हो जाए इसीलिए हम रोज सूरह फातिया में पढ़ते हैं तो फिर आयत की एंड किस तरह हो रही है फिर भी अल्लाह ताला के ना तुम वा In Allah, you have even then, after all this, after plotting, scheming against the Prophet ﷺ and breaking their covenants and everything, and despite their attitude, Allah is telling his, his messenger, you have आप इग्नोर कर दीजिए आप ओवर लुक कर दीजिए उन्होंने अगर आपके साथ खयानत की है, धोखा किया फिर भी आप उसको माफ कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई बुराई करता है और आप उसको रिपेल करते हो अच्छाई से तो अल्लाह क्या करेगा अल्लाह आपको पसंद करेगा ही लव्स द महसिन क्योंकि किसी को माफ करना क्या होता है इट इज अल्लाह आपसे मोहब्बत फरमाएगा लेकिन फिर क्या हुआ कुछ अर्से तक ये चलता रहा दे टाइम गेम जबकि वो फॉर गिवनेस और वो पार्डन जो है वो अब नहीं हो सकता था जब उनके उनके ये खत्म ही नहीं हो रहे थे मदीने में मदीने के इर्द उन्होंने जो कुछ गड़बड़े करनी थी वो करते रहे करते रहे करते रहे तो फिर सब अल्लाह तला ने एक और आयत में अल्लाह तला ने उनको इंस्ट्रक्ट किया नबी वसल्लम को कि अब इनको इवैक्यूट कर दीजिए फ्रॉम मदीना और फिर लेटर ऑन फ्रॉम द होल ऑफ एरब पेनसुला तो उनको पहले मदीना से हटाया गया मदीना के इर्द गिर्द जो थे और फिर उनकी तमाम ये चलती नहीं चलती नहीं, खयानत खा, खा, जो है उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनसे कहा और फिर बाद में अरेबियन पेनसुल्ला जो पूरा है सऊदी अरेबिया उससे भी हटा दिए गए और ये भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन आ गए बाद में एक और सूरह में आई है कि इनको आज के बाद से इनको जो है इन मक्का में मदीना में इनको मत दाखिल होने दें और ये इंस्ट्रक्शन जो है ये फिर आ, इनको आ, इनको कैरी आउट किया गया इन पर अमल किया गया अच्छा अब थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होता है टॉपिक इन्ना तकरीबन वही है अगर आप देखें तो वमिन लजीना

उनसे भी हमने कॉमनेंट लिया जूस से भी लिया और क्रिश्चियन से भी लिया फन बट दे फॉर अभी हमने पढ़ा था नसिया निसियानोन यानी कि भूलना फनसु तो वो लोग भी भूल गए हज़न यानी ए पोर्शन अ पार्ट अभी अभी जो मैंने आपको बताया था मिम्मा ज़ुकिरु बिही फॉर ऑफ दैट व्हिच दे वर रिमाइंडेड ऑफ सो वी टूक देयर कॉमिन कोवेनेंट बट दे फॉरगॉट अ पार्ट ऑफ दैट व्हिच दे वर रिमाइंडेड ऑफ हमने लिया उनसे एक पुख्ता अहद तो उन्होंने भुला दिया एक हिस्सा उसमें से जिस जिसको वो जिसकी वो नसीहत किए गए थे فاغرينا اغريناك لفظتنا يا هي आपके लिए اغرى का غين را واو غين را واو اغرى يغري اغراون اغرى يغري इन कौन सा फॉर्म है फॉर्म फोर इसका मतलब एक्चुअली ये है उनके कि उनके किसी के मैं आपको बताऊंगी कि वर्ड क्यों यूज हुआ है फ़ाखराइना का मतलब है कि उनके दरमियान अराउज कर दिया उनके दरमियान डाल दिया क्या चीज डाल दिया फ़ाखराइना बैनहुम बिटवीन देम अल अदावा क्या डाल दिया अदावा का मतलब क्या है अदू जैसे दुश्मन को कहते हैं अदावा का मतलब एनमिटी या एनिमोसिटी वल बगदा and hatred and anger so allah kare so we aroused between them apas mein, christians may, or we aroused between them enmity animosity and hatred ya anger or loves until the day of resurrection until the day of resurrection yani उनकी आपस में ये लड़ाई ये बुगस ये अदावत ये एनमिटी और ये हेट्रेड रहेगी उर्दू में है तो हमने डाल दिया उनके दरमियान दुश्मनी और बुगस या नफरत

शायद अभी नहीं पढ़ा था हमने अभी इत्तला पढ़ा था यू युन, नब्बा विल इनफॉर्म देम अल्लाह बीमा कानो यस अबाउट व्हाट दे यूज टू मेकअप अबाउट व्हाट दे यूज टू फैब्रिकेट यस नाउन किसी चीज को मैन्युफैक्चर करना किसी चीज को फैब्रिकेट करना दोनों के लिए यूज होता है तो इसमें यस नाउन का यस नाउन के रूट लेटर्स हैं साद नून आइन और सना यस नाउ सन अन सना से सना यस नाउ तो और उर्दू में है और ख़बर देगा अल्लाह उनको अल्लाह बताएगा उनको उसकी जो वो थे किया करते जो वो थे फैब्रिकेट करते या वो बनाते थे अपनी तरफ से यानी जो अपने मर्जी से वो फैब्रिकेट करते थे ठीक है या वो बनाते थे अब इसकी तफसीर को देखते थे कि अल्लाह तला बता रहे हैं कि वो लोग जो ये कहते थे कि हम नसारा हैं उनसे भी अल्लाह तह रहे हैं कि हमने निसाख लिया उनसे भी हमने कोविनेंट लिया लेकिन वो भूल गए उनमें से बहुत सारा एक हिस्सा जिसका उनको रिमाइंड किया गया तो अल्लाह ताला हमको ये बता रहे हैं कि ये मोड ऑफ एक्सप्रेशन कोई आप देख लेना द द पीपल हु कॉल देम वी आर क्रिश्चियंस मतलब अल्लाह ताला उनको नहीं है कह रहे हैं कि वो क्रिश्चियंस थे आप याद रखें अल्लाह ताला कह रहे हैं वो लोग जिन्होंने कहा कि हम नसारा हैं, हु कॉल देम सेल्फ हु क्लेम्ड कि हम क्रिश्चियंस हैं उसका मतलब क्या है वो क्या क्लेम कर रहे थे वो ये वो ये क्लेम कर रहे थे कि हम ईसा अलैहि सलाम के ट्रू फॉलोअर्स हैं हम ट्रू बिलीवर्स हैं हम ईसा अलैहि सलाम को प्रॉफिट मानते हैं और हम ईसा अलैहि सलाम के ट्रू फॉलोअर्स हैं लेकिन वो वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे जो कि वो क्लेम कर रहे थे वो क्रिस्टियन अभी आप देखें क्या वो अपने आप को ईसा को बिलीव करते हैं क्या वो बिलीव करते हैं कर, उन्होंने कर भी जूस की तरह, तो ने अपना प्रोमिस तोड़ा और, और, और उनका जो एसेंस था उनकी कोविनेट का था उसमें क्या था यही था कि हम अल्लाह की वहदानियत अल्लाह की तोहिद में हम मानेंगे वी विल बिलीव इन दन अल्लाह इन दूनिटी ऑफ अल्लाह एंड येट इसी वेरी इशू में इन दिस वेरी इशू इन दिस वेरी थिंग उनकी डेविये जब अल्लाह को एक कहना था वहीं पर उनकी जो डेविये उनकी हिस्ट्री ऑफ क्रिस्टानिटी के अंदर वो चीज आ गई क्रिप करके आ गई घुस के आ गई और यही सेंट्रल क्लॉज था जो कि उसके उनके उनका जो कॉविनेंट था अल्लाह के साथ उसको उन्होंने भुला दिया जो उन्होंने कहा था कि हम अल्लाह की वाहदानियत में बिलीव करते हैं और हम अमल करेंगे उन्होंने उसको भुला दिया और उस एक की वजह से दे वैन दे फॉर गॉट इट एवरी डिविएशन बी केम्पॉसिबल देखिए आपका मेन कॉन्सेप्ट अगर गलत हो गया कि अल्लाह एक नहीं अना जुब तो आपके साथ कितनी चीजें आप एड कर सकते हैं एज अ रिजल्ट क्या हो गया कि आपस में क्रिश्चियनिटी जो थी क्रिस्चियस जो थे जो अपने आपको क्लेम करते थे उसमें एनमिटी आ गई उसमें आपस में अभी अल्लाह ने कहा कि उनमें आपस में दुश्मनी आ गई ग्रजेस आ गए हेट्रेड आ गई और क्या हो गया वो डिफरेंट सेक्ट्स बन गए डिफरेंट चर्चेस बन गए क्रिस्टानिटी की और सब एक दूसरे को एक्यूज करने लगे एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे और एक दूसरे के साथ दुश्मनी हो गई और अल्लाह ताला ने लफ्स मैंने आपको बताया था फ्रैना इसलिए बताया था कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं अगरैना का मतलब क्या है जब कोई शिकारी कुत्ता अपने शिकार के पीछे भाग रहा होता है लव शिकारी कुत्ता शिकार के पीछे भाग रहा होता है शिकारी कुत्ते का काम क्या होता है उसका यही काम है सिर्फ एक ही काम है है जब उसको उसका मालिक भेजता है, कि आप जाओ आप जाके इस हंट को पकड़ो इस शिकार को पकड़ो वो उसी के पीछे भाग रहा होता है इसी तरह से ये जो क्रिश्चियंस हैं एक दूसरे के पीछे इसी तरह भाग रहे पड़े में हैं और ये आप जितनी भी किताबें इनकी पुरानी पढ़ेंगे इन्हीं की अपनी किताबें ये लोग आपस में इसी तरह लड़ भड़ रहे हैं और अभी तक लड़ भड़ रहे हैं हाँ व्हेन इट कम्स टू इस्लाम इट कम्स टू मुस्लिम तो वो सब एक तरफ हो जाते हैं ये तो है पूरा कुफर एक तरफ हो जाता है इस्लाम एक तरफ रह जाता है तो ड्यूरिंग द स्पेनिश इंक्वायरी जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी उस वक्त क्या हुआ था जूस ने क्रिश्चियंस को टॉर्चर किया था और उनको क्या किया था उनको किस तरह से टॉर्चर किया था बहुत सारे किस्से हैं एक आद किस्सा मैंने इसमें से निकाला जो मुझे बहुत ज्यादा डरावना सा लगा कि जूस ने क्रिश्चियंस को किस तरह टॉर्चर किया था उनको उनके बेड्स के साथ टाई कर दिया था टाइ कर दिया था और उनके बॉडी पार्ट्स को ट्राई टाई करके बांध के और उनके बोन्स को क्रैक कर रहे थे ये उन... किसी को आप इमेजिन करें उसको बांधा हुआ उनके बेड्स के साथ उनके बॉडी पार्ट्स को बांधा हुआ वो ना हिल सकते ना जुल सकते और स्लोली 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 उनका जिसम सड़ता जा रहा है इस तरह किया था तो अल्लाह ताला ने बताया है है कि ये जो एनमिटी जो है बिटवीन द जूज एंड द क्रिश्चियन अभी जो दोस्ती है ना वो सिर्फ इसलिए कि अपने मकसद के लिए दोस्ती है जहां से पैसा मिलता है सामने वाला लेना चाहता है जहां से अथॉरिटी मिलती है सामने वाला लेना चाहता है अभी वो जो इनकी जो इस वक्त की जो पार्टनरशिप है ना इट्स नॉट बिकॉज दे लव इच अदर दे डोंट लव इच अदर ये इसलिए है ये हेट्रेड अल्लाह ताला ने कुरान में कहते इट विल कंटिन्यू ये जो इतने सेक्ट्स बन गए और ये सब अलग अलग हो गए इट विल कंटिन्यू अंटिल द डे ऑफ़ और फिर ये तो दुन, और इस एक्शन के बाद क्या होगा जब ये उठेंगे वहां पर क्या होगा इनकी पनिशमेंट होगी इन द ईयर आफ्टर जो कि अल्लाह ताला ने क्लियर क्लियर बताया कि आखिरत में उनकी पनिशमेंट होगी विच विल बी अजाबल अलीम जो कि बहुत इस वक्त नहीं कहे इस आयत में लेकिन हमेशा अल्लाह ताला कहते हैं कि उनका अजाबल अलीम होगा यानी पेनफुल पनिशमेंट होगा तो बहुत क्लियरली अल्लाह तला बता देते हैं कि उनका दुनिया में क्या अंजाम है और आखरत में क्या अंजाम होगा फिर अल्लाह नेक्स्ट आयत में कह रहे हैं يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين, لك يبين, يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين أبا لا تلتن يا أهل الكتاب اے

तो कि कौन कर रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं किस चीज को कर रहे हैं जो उन लोगों ने तोरा में जो तहरीफ की थी वह हर रफा में आपको बताइए हर रफा यू हर रिफो उर्दू में भी तो हम तहरीफ कहते हैं ना तो हर रफा यू हर रिफो तो ये जो उन्होंने सारा चेंज किया डिस्टोर्ट किया मीनिंग्स को और जो भूल गए जो लॉज को अबेंडन कर दिया और जो कुछ छुपा के रखा किताब की चीजों को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर हमारा रसूल है ही मेक्स क्लियर फॉर यू मच ऑफ दैट विच यू यूज्ड टू हाइड और कंसील ऑफ द यानी वो खोल खोल कर बयान करता है आपके लिए बहुत कुछ उसमें से जो थे आप छुपाते किताब में किताब में से वह या कसीर एंड ओवर लुकिंग मच और वो दर गुजर करते हैं बहुत कुछ यानी ये नहीं कि एक एक चीज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा उठा के बता रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को आपके बहुत सारी बातों को आपकी बहुत सारी हरकतों को आपकी हर चीज को मैसेज जब अल्लाह ताला ने बोल दिया ना फाफान हम तो अल्लाह ताला बता रहे हैं अब लोगों को भी बता रहे हैं उन लोगों को भी बता रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी चीज़ों को दरगुजर फरमा रहे हैं कद जाअकुम मिन अल्लाह फिर अल्लाह ताला तर्टनली जाअकुम हैज कम टू यू फ्रॉम अल्लाह मिन अल्लाह फ्रॉम अल्लाह नूर लाइट अ लाइट व किताब मुबीन और एक एक किताब जो कि क्लियर है मुबीन है बयान है क्लियर है सो सर्टनली हैज कम टू यू फ्रॉम अल्लाह अ लाइट एंड अ क्लियर बुक यकीनन आ चुका है आ चुकी है आपके पास अल्लाह की तरफ से एक रोशनी और एक नूर एक रोशनी और एक किताब जो कि वाज़े है और खुली हुई है इसकी तफसीर छोटी सी है जो पीपल ऑफ़ द बुक थे जो अहले किताब थे उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था क्यों वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे एज देर प्रॉफिट क्योंकि वो उनमें बिलोंग नहीं करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में थे और ये लोग अरब अरबी नहीं थे तो इसीलिए वो लोग कह रहे थे कि हमारे पास इतने सारे प्रॉफिट्स आए तो वो कैसे अब अर, किसी अरबी अरब इंसान को क्योंकि वो एक डिफरेंट नेशन है प्लस ये जो जो वहां पर जो लोग थे जूस वो यही कहते थे कि हम जो बिलोंग करते हैं हम तो इतने लिटरेट हैं हम तो इतने इंटेलेक्चुअल हैं हमारे पास इतना पावर है हम इलीट क्लास हैं और ये जो अरब है ये तो इन हैं. ये तो डाउन तो करते थे ना उनको वो कहते ये तो हैं। तो वो कहते कि हमारे पास तो किताबें आई हैं ठीक है तो रेत जबुरनी के पास आई ना तो इनके पास जब आई तो ये यही कह रहे हैं किसोफे इब्राहिमा व मूसा उस्मालाम भी यहीं पढ़ते उनके पास भी आई तो वही जब इनके पास इतनी सारी चीजें आई हैं तो हाउ कुडिन कि अब जो नेक्स्ट प्रॉफिट आएगा जो लास्ट प्रॉफिट आएगा जिसके मुतालिक वो सुनते चले आ रहे हैं पढ़ते चले आ रहे हैं वो इनके पास नहीं आएगा वो अरब में आएगा तो अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा एक ऑनर एक इज्जत बेस्टो किया है उन लोगों पे जो अनलिटरेट थे जो कि इनलिटरेट जिनको तुम कहते हो उन्हीं में से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने अपना रसूल उसमें से चूज किया है एक इंडिविजुअल को एक फर्द को जो कि लास्ट ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स होगा और है अब तो अब तो बता दें यानी वो आ गए हैं और फिर बताया कि उनका मैसेज जो है वो फाइनल मैसेज होगा उनका मैसेज क्या है कुरान जो हमारे सामने कुरान है और उनका जो अमल होगा जो वो हमें करके दिखाएंगे और ये किसके लिए है इट इज फॉर ऑल मैन काइंड एंड फॉर ऑल टाइम्स Quran और is not only for the Arabs, it's not only for that time. वो तो किताबें अपने अपने time के लिए थी अपने अपने लोगों के लिए थी लेकिन यहाँ पर वो लोग जो कि illiterate थे जो कि unlettered थे उनको अब highest standard of knowledge मिल गया earth में और ये क्या था ये एक फेवर था अल्लाह बहुत बड़ा फेवर था फजलो करम था अल्लाह ताला के कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को चूज किया हमने पढ़ा पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले थोड़े दिन पहले वरदी तो लकुमुल इस्लामा दीना और अल्लाह ताला ता ने चूज किया अल्लाह ताला ता ने प्लीज किया कि इस्लाम को हमारे लिए दीन चुना सबसे बड़ी आप सोचेंगे ब्लेसिंग क्या है हमारे पास अगर आप सोचेंगे 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 कितना भी सोचेंगे ठीक है आपका घर आपके बच्चे आपका आपकी हर चीज को आप जिसम आपकी आंखें आपके पैर आपके हर कुछ सोचेंगे आपका धड़कता हुआ दिल आपका दिमाग लेकिन इन दी एंड क्या चीज है जिसने हमको ये दीन दिया है अल्लाह ताला ने हमको ईमान दिया है सो आप कहेंगे दीन इस्लाम या हिदायत ईमान इस्लाम हिदायत ये चीजें जो अल्लाह ताला ने हमें दी है इससे बड़ा फेवर और कुछ नहीं हो सकता था अगर हमारे पास आंखें नहीं होती समझिए फिर भी हम चल सकते बोल सकते अगर हमारा ज़ुबान नहीं काम करती फिर भी हम देख सकते देखिए अगर हम वेजिटेबल भी होकर पड़े रहते तो भी अगर हमारे पास देखिए हम हम कोई हमारा लुक आफ्टर कर ही लेता लेकिन अगर हमारे पास ईमान नहीं होता हमारे पास दीन नहीं होता तो हम कैसे आखरत के लिए अपने आप को तैयार करते तो अल्लाह ने हमारे लिए इस दीन को चुना है और अल्लाह तला ने मुसलमानों को ये फर, फेवर किया है कि वो इंटायर ह्यूमैनिटी को पूरी इंसानियत को वो लोग हम लोग हम मुसलमान जो हैं उनको गाइड करें आप देखें अभी ये जो हालात चल रहे हैं कितने लोग मुसलमान हो रहे हैं आपको पता है ना मैंने बताया था शायद के में में लास्ट वीक में, चार लोगों ने आ, 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 शहादा लिया एक जो है वो डिज्नीलैंड पे उन्होंने टेबल लगाया था दावा टेबल उसके बाहर लिया एक आदमी ने आके फिर जुम्मे को लास्ट जुम्मे को अभी जो जुम्मा गुजरा है उस पर एक ने जुम्मे के टाइम पे लिया आफ्टर जुम्मा नमाज एक ने मगरिब के बाद लिया और एक ने इशा के बाद लिया एक दिन में तीन शहादा ये आप देखें तो अल्लाह ताला उन लोगों को चुन लेता है और अल्लाह ताला हमें ये मौका देता है कि हम दूसरों तक इस्लाम को पहुंचाएं और इसमें अल्लाह ताला ने आपने देखा कि इसने में इस आयत में अहलुल किताब कहा हुआ है इसमें खाली बनी इसराइल नहीं कहा है, इसमें खाली जूस को नहीं कहा है तो ये नहीं कह रहे कि ये वो लोग जिन्होंने अपने आप को नसारा ये दूसरी आया था इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं याहल किताब द जूस एंड द क्रिश्चियन उनको ये कहा जा रहा है कि नबी इसलिए भेजा गया है कि वो आपके सामने चीजों को खोल खोल कर बयान करे

उसको एक्सपोज करने के लिए मच ऑफ व्हाट जो आपने छुपा के रखा था उसको एक्सपोज कर देंगे क्योंकि वो आपके पास रेबुलेशन थी लेकिन आपने उनको छुपा दिया आपने खयानत की आपने अल्लाह के अल्फाज को दूसरों तक नहीं पहुंचाया आप लोग अनफेथफुल थे आप लोगों ने अपने ट्रस्ट को पूरा नहीं किया जो अल्लाह ने आप पे किया उनको ये भी बताया जा रहा है कि वो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल वो, वो सबको बताएंगे कंसील नहीं करेंगे और इसलिए चूंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवील कर देंगे तो देर विल नो लॉन्गर बी नीड फॉर another message or another messenger.

अहमियत दी वो ये कहते हैं कि ईसा बन मरियम जो है वो न, वो अल्ला आ, वो अल्लाह का कहते हैं गॉड एक एक कहता है मतलब कितने उनके हो गए अभी पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं। लेकिन एक, आ, जो, जो, जो रूलिंग्स थे वो सारे जो है उन्होंने उसको छुपा दिया मसलन रिबा सबसे ज्यादा रिबा में डील कौन करता है जूस करते हैं सबसे ज्यादा तमाम बैंक्स देखें तमाम फाइनेंस देखें सब वो करते हैं तो रिबा को उन्होंने बिल्कुल ही छुपा दिया कि रिबा तो अलाउड है और फिर वो फैला दिया तो मुसलमान भी समझते हैं कि रिबा अलाउड है और स्टोनिंग ऑफ द एडल्टर्स ये उनकी किताब में भी था जूस की किताब में भी था कि स्टोनिंग ऑफ द एडल्टर्स जो एडल्ट्री करेगा उसको स्टोन टू डेथ करना है आपने से बहुत पुरानी अगर सुनी भी है कहावतें भी फिल्में भी देखी तो उसमें भी है के स्टोनिंग ऑफ द डेथ ईसा के जमाने में भी था तो इसको भी उन्होंने छुपा के रख दिया और जब वो छुपा के रख देते हैं तो मुसलमान भी उनको फॉलो करने चले जाते हैं जो चीज उन्होंने छुपा दी फिर जूस और क्रिश्चियंस जो है वो ये भी कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के चुने हुए हैं हम उनके बेटे हैं और हम अल्लाह हमको बहुत ज्यादा लव करता है सबसे ज्यादा फिर जूस एंड क्रिश्चियंस दोनों जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने में और नबी नबीम को नबी मानने में दोनों इस बात को सप्रेस कर देते हैं अपने लोगों को वो नहीं बता रहे हैं अपनी मासेस को वो नहीं बता रहे हैं उनके, उनके प्रीस, कि ये नबी वसलम ही आखिरी नबी हालांकि उनके पास तमाम डिस्क्रिप्शन आ चुकी थी फिर क्लियर स्टेटमेंट है एंड में अल्लाह ताला यही कहते हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है जो आप इसके साथ करें क्योंकि ये किताब जो है ये कुरान जो है इट इज लाइट इट इज लाइट ये आपको रोशनी देती है आपकी सब कंफ्यूजन को दूर करती है एंड इट इज अ क्लियर बुक ये किताब मुबीन है अब यही आप सोच लें कि अल्लाह ताला के जो एक फाइनल पंच लाइन जो है यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है ये किताब है आपके लिए इससे आप रोशनी हासिल करो ये नूर है और इससे आप जो है इससे ओपन इसमें तमाम चीजें हम इससे क्या सीखते हैं हम इससे ये सीखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि हमारे पास एक नूर है हमारे पास एक लाइट है हमारे पास एक कुरान है जो हर चीज़ हमारे लिए क्लियर कर देती है हमें इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इससे पूछना उससे पूछने से दूसरी चीज है हम ये भी अंडरस्टैंड करते हैं हम अपनी लाइफ को अगर इवेल्युट करें अगर हम अपनी इवेंट्स को देखें अगर अगर हमने हमारे लोगों के साथ जो भी इंटरेक्शन होता है इट हैपन्स फॉर अ रीज़न वट एवर हैपन्स अल्लाह तला जो है हम उसके बारे में हम लोग कन्फ्यूज नहीं होते हमारी कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि हम समझते हैं कि अगर अल्लाह तला इसको अलाउ कर रहा है, तो this was supposed to happen. अगर अल्लाह ताला इसको नहीं चाहता लाने के लिए तो ही जैसे फलस्तीन की जंग है अभी अब उसमें आप देखें कि वो लोग आ रहे हैं शहीद हो रहे हैं नबी वसल्लम के जमाने में भी लोग शहादत लाते ला, थे जब गजब अहद हुई उसके बाद लगता था कि अब तो क्या हो गया अब तो बस सब कुछ ख़त्म हो गया लेकिन उसके बाद क्या हुआ इस्लाम कितना बड़ा जब सुलह उदय हुई उसके बाद कितना बड़ा तो यही चीज है कि हमें हम वी कैन नॉट इवेल्युएट द इवेंट्स अराउंड अस आर हमें लेकिन कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमें यह याद रखना चाहिए कि विदाउट द विल ऑफ अल्लाह यह नहीं हो सकता था इसीलिए जब हमें कोई डिसीजन भी लेनी होती अपनी जिंदगी में भी लेनी होती है तो अल्लाह ने क्या कहा कि यू मेक दैट डिसीजन यू पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह

तो हमें क्या पता है कि हमें दुनिया में जो कुछ भी हमें नहीं मिल रही है हमारी गोल क्या होनी चाहिए हमारी गोल जो है है वो हम ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि हम अल्लाह की किताब को अगर फॉलो करेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे तो वो हमें सीधे रास्ते पर चलाएगी सिरातुल मुस्तकीम पर चलाएगी और हमें सवा पर, हमें इवन रास्ते पर चलाएगी हमें उसमें से भटकने नहीं देगी फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं आई एम सिक्सटीन में

सुबल का मतलब क्या है सबील की जमा सबील का मतलब क्या है रास्ता तो सवा सबील अभी हमने पढ़ा था ना सबील इज पास टू सलाम सलाम का मतलब क्या है नॉर्मली सलाम का मतलब होता है क्या पीस सलामती आप, अभी फिलहाल ये समझ लें तो हिदायत देता है एक दफा फिर इंग्लिश में गाइड्स विद इट अल्लाह दो सीक हिज प्लेजर टू द वेज ऑफ पीस उर्दू में है हिदायत देता है उसके जरिए अल्लाह जो ताबेअ हुआ यानी जिसने इत्तबा की उसकी रजामंदी के

ठीक है तो यानी ये फॉर्म फोर है खराज ठीक है अल्लाह उनको निकालता है किस में से जुलुमत में से अंधेरों में से और कहा ले जाता है नूर की तरफ यानी रोशनी की तरफ यानी हिदायत की तरफ तो उर्दू में है और वो निकालता है उनको अंधेरों में से रोशनी की तरफ अपने हुक्म से भी इजनी वीम एंड ही गाइड्स इला गाइड मुस्तकीम टू द स्ट्रेट पाथ और वो हिदायत देता है उनको सीधे रास्ते की तरफ अब देखते हैं सो सलाम क्या है सलामती के रास्ते सलामती के रास्ते का मतलब क्या है कि जो फॉल्स परसेप्शन हैं जो गलत नजरियात हैं जो लोगों की गलत गलत आउटलुक है ओपिनियंस है थिंकिंग है उन सबसे भी थिंकिंग से भी गलत सोचने से भी उससे भी अल्लाह ताला उनको सेफ करता है उनको निकालता है उनको प्रोटेक्ट करता है और सेफ्टी फ्रॉम द एक्शंस आल्सो एक्शन जो है जो हमारे एक्शंस होंगे जो हमारे खराब डीड्स होंगे उससे भी अल्लाह ताला उनको हिदायत देता है क्यों अल्लाह ताला ही हिदायत देने वाला है और सलाम की तरफ वो ही हिदायत दे सकता है अगर अल्लाह चाहे तो बेज नहीं अल्लाह के हुक्म से तो अल्लाह कह रहे हैं कि फॉल्स परसेप्शन मिसकनसेप्शन गलत अंडरस्टैंड उटलुक गलत उन सब से गलत ओपिनियन गलत सबसे अल्लाह ताला सेव करता है और अल्लाह ताला हमारी गलत एक्शन से हमको सेव करता है और उस गलत एक्शन की वजह से जो हमारी कॉन्सिक्वेंसिस हैं यानी हमें जो सजा मिलने वाली है अगर हम गलत एक्शन से और गलत थिंकिंग से सेव हो जाते हैं तो हम उस गलत कॉन्सिक्वेंसेस हम गलत है हम उस कॉन्सिक्वेंसेस से भी बुरे कॉन्सिक्वेंसेस से हम सेव हो जाते हैं तो अगर हम अल्लाह को परसू करते हैं अल्लाह की रजामंदी को परसू करते हैं हु अल्लाह अल्लाह तो Allah ताला उससे खुश हो जाता है एनी वन फॉलोज अल्लाह हैज बीन प्लीज टू चूज यानी अल्लाह ने हमारे जैसे दीन को चूज किया हमारे इस्लाम को चूज किया तो अगर हम उसको खुशी खुशी परसू करते हैं तो अल्लाह भी उसे विद प्लेजर एक्सेप्ट करता है रिदवान उसका प्लेजर और वो क्या करता है हमें गाइड करता है ऑन दिस पाथ्स ऑफ सलामती और सलामती आप को आपको मैंने बताया सलामती मतलब है पीस भी होता है और सुकून भी होता है पीस और सुकून एक ही चीज है लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि हम इस्लाम में एंटर हो जाते हैं तो हमें वो पीस मिल जाता है हमारी एंटायर लाइफ जो हो जाती है इट बिकम्स पीसफुल बिकॉज़ वी आर नॉट स्लेव्स टू एनीबडी एल्स वी आर नॉट फॉलोइंग एनीबडी एल्स वी आर ओन्ली द स्लेव्स ऑफ अल्लाह एंड वी आर फॉलोइंग द सुन्ना इन इट्स ब्रॉडस्ट सेंस ऑफ द टर्म तो दूसरी चीज ये कि हम इन पीस आ जाते हैं विद आवर हमारा जो जमीर है उससे भी हमको पीस मिल जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं हम अल्लाह कॉन्शियस है हम और किसी के लिए कॉन्शियस नहीं है और हमारी जो माइंड है और हमारी जो बॉडी है हमारा जो जहन है हमारा दिमाग है हमारी सोच है हमारा जो जिसम है हर कुछ जो है पीस में आ जाता है क्योंकि वी आर फॉलोइंग अल्लाह लेकिन हम लोग इसलिए पीस में नहीं आते कि हम लोग मैं अपनी बात कर रही हूँ इसलिए हम, हम लोग प्लीस में पूरी तरह नहीं आते कि हमारा तोकुल अल्लाह पे कम हो जाता है हम सोचते हैं हमारा ईमान बहुत मजबूत है हम सब करेंगे लेकिन हम छोटी छोटी बातों में हम परेशान हो जाते हैं हम हर्ट हो जाते हैं हम सोचना शुरू कर देते हैं कि ये कैसे हुआ ये क्यों हुआ लेकिन देखें अल्लाह तला करें जो कुछ भी होगा कि अल्लाह की मर्जी से हुआ अल्लाह कुड स्टॉप तो वी शुड एक्सेप्ट इट बस एंड वी आर बिलीवर्स हमारे लिए जो भी अच्छी बात है या बुरी आती है इट सपोज टू बी गुड फॉर अस शुक्र करना है और सबर करना है तो फिर जब हमें ये पीस होगा हमारी माइंड में हमारी बॉडी में हमारी थिंकिंग में हमारी जमीर में तो क्या होगा इट इज पीस विद इन द इंडिविजुअल हमारे अंदर जो जो हमारे एक फर्द है उसके अंदर भी मेरे अंदर भी पीस आ जाएगा आपके अंदर भी पीस आ जाएगा और जब मेरे और आपके अंदर पीस आ गया सलामती आ गई अल्लाह की तरफ से ये अल्लाह की हिदायत है तो क्या होगा हमारे घर में भी हमारी फैमिली में भी पीस आ जाएगा तो इट इज एट द होम इट इज इन द फैमिली प्लस जब हमारी फैमिली पीसफुल होगी तो हमारी सोसाइटी में भी हमें पीस नजर आएगा सोसाइटी में कम्यूनिटी में और द ह्यूमैनिटी एट लार्ज हम पूरी इंसानियत में पूरी दुनिया में हमको पीस नजर आए बिकॉज वी आर सेल्व आर इन पीस तो इट इज पीस वो पीस सलामती जो है सलाम उसका मतलब ये है कि इट इज पीस विद दिस होल लाइफ विद द यूनिवर्स विद द क्रिएटर सबसे बड़ी बात ये ये सारी चीजें लीड कर रही हैं टू हैव पीस इन लाइफ टू हैव पीस इन द यूनिवर्स विद द यूनिवर्स एंड इट इज पीस विद द क्रिएटर तो जो भी याद रखें हमारा हमारा पंच लाइन है है कंक्लूडिंग कि जो जो कुछ भी जो, ever, जो कोई भी अल्लाह से गाइडेंस ले फ्रॉम द बुक ऑफ अल्लाह एंड फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोफेटम उसको वो उसको मालूम हो जाएगा किस तरह वो अपने आप को पीसफुल रखे किस तरह अपने आप को अंधेरों से बचा के रखे और किस तरह वो मिस गाइडेंस से बचा ले अपने आप को गुमराही से बचा ले एट ईच स्टेप ऑफ दर लाइफ एट ईच क्रॉस रोड क्रॉस क्रॉस रोड ऑफ द लाइफ एक आयत और कर लेते हैं इनशाला अभी है टाइम थोड़ा لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان المسيح أَيُّهَلِكَ الْمَسِيحَ <سؤال> بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى أَلَّا شَيْءٍ قَدِيرٌ Beautiful ayah, آية, beautiful ayah, آية. amazing ayah. آب لقد Certainly كفّرَ disbelieved. الذينَ Those who قالوا They said. Certainly disbelieved Those who said إن الله Indeed Allah ियम यानी mess yani, वो लोग डिसबिलीवर है हम लोग कहते हैं ना कि वो भी पहले किताब है डिसबिलीव तो नहीं करते बट क्लियरली अल्लाह तफर सर्टनली डिसबिलीव दो

Um, uh, kull say kull sefamay yam likumin Allahi Shay'an. Then who has the authority? I'm here. I'm missing. O God, I'm telling you that kull yam liku. Then, who has, the then who, has the who has the authority? Who has the dominion? Who has the control? Min Allah against Allah or about Allah Shay'an anything, anything? Any control in arada? If Allah decides, I'm that He.

To destroy, to kill. हा, लाम का, अगर अल्लाह तलाट्रॉय कर दे किल कर दे फॉर्म फोर है अहला का युह लिकलाकुन यानी कि आप कह दीजिए कि फिर कौन इख्तियार रखता है किसकी ये जरूरत है किसकी मजाल है अल्लाह के आगे कुछ भी जरा सी भी कुछ भी चीज का अगर वो इरादा करे अल्लाह इरादा करे कि वो हलाक कर दे किसको हलाक कर दे मसाया सन ऑफ मरियम अल अलमसी इबन मरियम यानी मसाया सन ऑफ मरियम व उमह हूँ और उसकी माँ को भी चाहे मरियम को भी मार डाले और ईसा ये उस वक्त की बात है देखें अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह ताला इरादा करता तो वो ईसा सलाम और उनकी माँ को दोनों को खत्म कर देते मार डालते तो किसी को कोई इख्तियार था कि वो उनको रोक लेते वन फिल आउट दमिया एंड इज इन अर्थ ऑल टूगेदर यानी कि और जो कोई भी जमीन में है सब के सब और फिर अल्लाह ताला लास्ट लाइन अगेन वही जो हम कई दफा पढ़ चुके हैं वाली मुल्क समा हुआ थी एंड बिलोंग्स टू अल्लाह द डोमिनियन ऑफ द स्काईज एंड द अर्थ एंड इज बिटवीन बोथ ऑफ दैन और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों की और मिल्कियत या बादशाही आसमानों की और जमीन की और जो कुछ है इन दोनों के दरमियान

तो अब देखें सबसे बड़ी बात लग लग कफर हुआ ये अल्लाह ताला कह रहे हैं लक़द कफर अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु वल मसीहुल मरियम ये ओरिजिनल मिस्टेक जो क्रिश्चियंस ने की ओरिजिनल मिस्टेक थी कि उन्होंने कहा कि अल्लाह जो है वो कौन है वो मसीह इब्न मरियम है ईसा अलैहि सलाम इज अल्लाह नाऊज़ बिल्लाह देख देख डिक्लेयर्ड देक, ईसा अलैहि सलाम अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंसेस आप कह लें क्योंकि वो इस सलाम उनके सामने है चल फिर न है इंसान है और वो कहती ये इंसान खुदा है अल्लाह है और इस मिस्टेक की वजह से फिर क्या हुआ ये कंफ्यूजन की वजह से उन्होंने क्या किया कि अब उनको इसको प्रूफ करने की जरूरत पड़ गई जब उसको प्रूफ करने की जरूरत पड़ गई तो स्कॉलर्स स्कॉलर्स जो क्रिश्चियन इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए करते गए अलग अलग एजमशन अलग अलग गैसेस अलग अलग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जाने लगे और ये मैटर और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया अभी भी कंफ्यूजिंग है उनके लिए वो बोलते नहीं है लेकिन उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग है तो ये जो जो लोग अच्छा ये तो उन्होंने एक एक खुदा को दो रूप दे दिए ना इंसान का भी और खुदा का भी रूप दे दिया जो लोग ज्यादा इंप्रेस थे कि नहीं ये इंसान है ये इंसान है जो ज्यादा इंप्रेस है कि ईसा सलाम का तो वो कहते थे ये सन ऑफ गॉड एक ने कहा ये, ये गॉड हिमसेल्फ है दूसरे ने कहा सन ऑफ गॉड है और उन्होंने कहा कि थ्री गॉड्स हैं और थ्री गॉड्स में से एक सन ऑफ गॉड है एक 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 गॉड है और एक होली uh, गोस्ट है और जो लोग ज्यादा इम्प्रेस थे अल्लाह की ईसा डिव, की डिविनिटी से उनकी खुदाई से तो वो कहते थे नहीं ये ये यही अल्लाह है तो कोई थ्री गॉड में बिलीव कर रहा था कोई एक गॉड में बिलीव कर रहा था कोई उनको अल्लाह मान रहा था कोई अल्लाह का बेटा मान रहा था और वो ये कहते थे कि ये जो है ह्यूमन इनकारनेशन ऑफ गॉड और उसको वर्शिप करना शुरू कर दिया एज गॉड तो बहुत ही गड़बड़ अब कुछ लोगों ने ये किया कि उन्होंने कहा कि इसका मिडिल पाथ होना चाहिए जब वो मिडिल पाथ लेने लगे तो अगेन वो आगे ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट पे ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट जो हम देख रहे हैं कि द फादर द सन एंड द होली गोस तो उन्होंने बहुत सारे इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट निकाले सब कुछ के भाई वो गॉड भी है और वो इंसान भी है और वो गॉड का बेटा भी है और मतलब साइमल्टेनियसली वो एक सब कुछ है और ये हमने सूर्य निशा काफी डिटेल में पढ़ा था तो ये आयत जो है ये हिंट करती है ये हमें बताती इस तरफ इशारा करती है कि जो लोगों ने मस, जो ईसा के, के बारे में जो कंफ्यूजन कॉज किया था जो लोगों को मिसलीड की थी उनको बिलीव करने के लिए कि भाई गॉड और मसाया इस सन जो भी वन थ्री कितनी चाइल्डिश बात थी कितनी बेकार बात थी द ट्रूथ इज के मसाया क्या है ईसा अलैहिस्सलाम क्या थे ही वाज अ साइन ऑफ द इन्यूमरेबल वंडर्स ऑफ अल्लाह क्रिएशन वन ऑफ अल्लाह साइन अल्लाह की साइंस आप देखें आखिर आदम अलैहिस्सलाम भी तो थे आदम अलैहिस्सलाम कहाँ से आ गए आदम अलैहिस्सलाम का ना बाप ना माँ आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तखलीक की फिर हवा हवा की माँ नहीं थी और हवा को भी तख्लीक किया उनको भूल के बस ईसा की डिविनि तो वंडर्स। वंडर्स नहीं है इसलिए हर आयत जो कुरान की, की परसैप्शन सही होती जरा वाइडर होती तो वो यही सोचते कि अल्लाह क्रिएटर है और उसकी इंफिनट पावर है और, और ये ईसा क्रिएशन है वो लोगों ने इतना एक इंसान को एक क्रिएटर के बराबर कर दिया क्रिएचर को या क्रिएशन को क्रिएटर के बराबर कर दिया तो जो लोग ट्रूली वाइज अपने इंटेलिजेंस में जिनका जो पेनेट्रेट होता है कि भाई नहीं ये डीप थिंकिंग वाले लोग हैं वो जब ये देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि नहीं ये साइन है सिर्फ एक अल्लाह का मेरेकल है और हम मुसलमान हम यही मानते हैं कि अल्लाह का मेरेकल है कि अल्लाह ने इतने प्रॉफिट भेजे और बुढ़ापे में भी लोगों को औलाद दी और बगैर माँ के भी पैदा किया और बगैर बाप के भी पैदा किया तो हम लोगों को जो है हमारा ईमान और

है कि अगर वो हलाक कर देते तो फिर क्या कोई कुछ कर सकता था अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह जो जो है, और वो जो है, उनका कंट्रोल जो है वो भी कंप्लीट और एबसोल्यूट है ये हमारा पंच लाइन हमारा लेसन है नो वन कैन डू एनी अगर अल्लाह ने कोई चीज इरादा कर लिया नो वन कैन रिवर्स इट अल्लाह की मर्जी ही चलेगी इसीलिए जो इस्लामिक फेथ है हमारा ये बहुत ट्रू है बहुत सिंपल है बहुत क्लियर है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसमें इतनी क्लैरिटी है कि हम ये एरोनियस कॉन्सेप्ट को दखल नहीं दे सकते हैं अगर कोई हमारे साथ बहस भी करे अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है हमको बहस नहीं करनी चाहिए अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम उसको एक फूड फॉर थॉट दे कि देखें क्या ये हो सकता है कि क्रिएटर और क्रिएशन एक ही जैसा हो या एक ही हो तो उनके अंदर जो डेवियेशन आ गए हैं इस्लामिक फेथ में ये कि हमें अल्लाह ताला बहुत क्लियरली बता देता है कि गॉड हेड भी अल्लाह खुदाई भी अल्लाह की है और सबमिशन भी किसको करना है सिर्फ अल्लाह को सबमिट करना है ये दो पोजिशन क्लियरली डिफरेंट है देर इज नो रूम फॉर एनी अदर इंटरप्रिटेशन और एनी मिस इंटरप्रिटेशन ठीक है चले अलहमदुल्ल मेरा दिल था कि थोड़ा ज्यादा हो जाए अलहमदुल्ला हो गया तो प्लीज क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन है जी सही ये जो आयत है आयत नंबर सेवनटीन um, जो अभी आपने पढ़ाई उसमें तो अल्लाह ताला ने साफ साफ कह दिया कि ये लोग तो काफिर जो अल्लाह को तो फिर हम ईसाई औरतों से शादी तो नहीं कर सकते काफिर से तो शादी नहीं है तो ये अल्लाह ने कुरान में दिया है ना अल्लाह ने कुरान में दिया ना और इसीलिए मैंने आपको भेजा था कि वो डिसीव करते जिस चीज में तो बिलीव करते हैं हम मोहम्मद कर रहे थे तो और, और वो सीक्रेट लवर्स भी नहीं है तो फिर उनके साथ अल्लाह तला ने ही कुरान में दिया ना अब हम अल्लाह को चैलेंज करेंगे कि आपने क्यों नहीं जाना मेरा यहाँ पे ईसाइयों से मुराद मैं ये समझती हूँ कि वो ईसाई हैं जो के शर्क मतलब ये नहीं कहते हैं कि हजरत ईसा के हाँ तो हाँ वो नहीं कहेंगे ना जब उन लोगों से ही कर सकते उन अब... लोगों से सिर्फ लेकिन जो लोग ये बात करते हैं तो उन लड़कियों से शादी करना जायज नहीं है मेरा ये है जी 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 वो आपने उस दिन भी पूछा था तो इसलिए मैंने आपको कहा कि मेरे अल्फाज के बदले मैं आपको स्कॉलरली अल्फाज भेज दू तो कल शायद ये समझते हैं क्या ये है? मैं सही समझती हूँ ये देख रही हूँ जी जी बस समझ लें कि आप सही समझ रही है लेकिन अल्लाह तला ने ईसाइयों से और यहूदियों से शादी मना नहीं किया इट इज नॉट हराम लेकिन आपको मैंने ये भी बताया कि इतने सारे स्कॉलर्स एक दो तीन लेसन पहले मैंने बताया कि स्कॉलर क्या कहते हैं कि क्या गड़बड़े हो सकती हैं तो अगर क्लियरली हराम नहीं है तो इज नॉट इवन हाईली

जो कि आप को स्कॉलर कहते हैं लेकिन वो लोग जिधर में भी आ, मतलब वो लोग इस बात में जरा उनको ज्यादा फ्री हैं, लिबरल हैं, तो वो लोग कह देते हैं ठीक है हम कर देंगे ठीक है इजाजत है लेकिन इट इज नॉट हाईली रिकमेंडेड और इजाजत बिना आपको बताए ना कितने कंडीशंस थे हम दारुल हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पूरा नॉन इस्लामिक सोसाइटी है हमारी कोर्ट्स है हम अपने कोर्ट में जाएंगे अगर आप किसी एक लड़का है वो किसी जुएस या क्रिश्चियन लड़की से शादी करे अब कल कोई डिवोर्स हो तो वो किसको देंगे कस्टडी उसी को देंगे ना औरत को ही hmm. औरत का साथ औरत के लिए अलग इतना बड़ा रखेंगे दोबारा सुन लें उस हालत में दी गई थी उस वक्त इस्लाम फैल रहा था इस्लाम गालिब हो रहा था और उस वक्त ये था कि जब लोग हिजरत करके आए थे औरतें आई थी एक और सूरह में आएगी सूर्य मुमतहना सूरह मुमतहना में भी आया है कि जब वो औरतें आए आपके पास और वो आपको आके कहें कि हम नहीं जाना चाहते हैं वापस तो आप उनको वापस मक्का मत भेजिए आप उनको क्योंकि अब वो जो मर्द है वो इनके लिए हरा, हलाल नहीं है hmm. ये भी बहुत क्लियर है तो ये सब चीजें आगे आती हैं क्लियर होती हैं लेकिन जिसके दिमाग में आपका दिमाग साफ है आपके दिमाग में आपको पता है कि हाँ शिर करने वाले से शादी नहीं करना दैट इज़ वेरी क्लियर अब वो मुशरकिन है तो नाशाद एथियस्ट है हाँ ये भी एक अगर वो अपने आपको कह रही है मैं तो आई डोंट फॉलो एनी रिलीजन तो वो क्या हो गई तो हो गई ना वो तो और ज्यादा खराब हो गई तो <laughs> तो जब है या तो और हमारे लोग बड़े आराम से कहते हैं नहीं नहीं इज नॉट दिस वो तो और ज्यादा हो गया ना तो बस इसको अब हमने सोचना है हमारा अपना तकवा हमने मैं किसी को कह रही थी तो किसी ने मुझे मेरे मुंह पे, पे बोला दिस इज योर ओपिनियन मेरे मुंह पे बोला दिस इज योर ओपिनियन दिस इज नॉट माई ओपिनियन आपने कुरान को देखा अल्लाह लफ्ज क्या यूज कर रहे हैं इजाजत है और फिर आगे ये कहते हैं जिन लोगों ने ये ये किया कफर अल वो, वो वो कुफर कर रहे हैं so, सो अब फिर बाद हम लोग इसी चीज को बोलते रहेंगे तो भाई जिसकी जो मर्जी है करे सही बात है के? जी और कोई सवाल प्लीज एनी क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पर बंद करेंगे अगर कोई क्वेश्चन नहीं है एंड आप लोग जरा रहिएगा यहीं पर मैं आपसे नेक्स्ट वीक के क्लास की कुछ बात करना चाह रही हूँ इन्शाल्लाह ताला ये रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए उसके बाद ओके <laughs> <वो> चलें सुबह अल्लाहूम वब्बियहम्दिक नशदुल्लाह इल्ला